चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे रेडियो एक्टिविटी के, ताकि इसके कोई भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स अगर रह गए हैं तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लेट्स बिगिन। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2018। वो कह रहा है कि आपके सामने एक रेडिएशन डिटेक्टर रखा हुआ है। ये जो रेडिएशन डिटेक्टर है, बेसिकली इसका नाम क्या होता है? मोस्ट कॉमन वन इज गीगर मोलर ट्यूब, जीएम ट्यूब होता है। जीएम ट्यूब काम कैसे करती है, उसकी डिटेल एज सच कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो कि ये जीएम ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं आप एक काउंट मीटर या रेट मीटर या काउंटर, जो भी इसका नाम कह लो, इसकी बात कर रहे हैं। इस पे जितनी ज्यादा रीडिंग आएगी, इसका मतलब उतनी ही रेडिएशन डिटेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर ये 31 रेडिएशंस डिटेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली द हायर दिस नंबर इज द मोर एक्टिविटी देयर इज, द मोर रेडियो एक्टिव द सैंपल इज, और द मोर रेडिएशन आर बींग डिटेक्टेड बाय द ट्यूब। डिटेक्टर इज स्विच्ड ऑन एंड 6 रीडिंग्स आर रिकॉर्डेड। ओके, तो डिटेक्टर को ऑन किया और 6 रीडिंग्स रिकॉर्ड की। रीडिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारी रीडिंग्स देखो, 31, 36, 29, 32, 31, 33। कह रहे हैं आप एवरेज वैल्यू निकाल दें, और ये असल में आपका बैकग्राउंड काउंट रेट है। व्हाई आर दे सेइंग कि ये बैकग्राउंड काउंट रेट है? ये बैकग्राउंड काउंट रेट इसलिए है क्योंकि आप अगर देखो तो इन्होंने अभी डिटेक्टर के सामने कोई रेडियो एक्टिव सैंपल नहीं रखा हुआ। सो दिस रेडिएशन दैट इज बीइंग डिटेक्टेड इज ऑलरेडी ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, एंड इट इज नॉट ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू लेनी है, एज एन सबको प्लस करना है, सबको ऐड करना है, और जाहिर सी बात है 6 रीडिंग है तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे। तो बताओ जरा जल्दी से इसकी एवरेज क्या आएगी? एवरेज लेना तो सबको आती है। सो एवरेज क्या आ रही है? इन सारे नंबर्स को ऐड करके 6 से डिवाइड किया तो एवरेज आ रही है जी 32। और हम इसका यूनिट भी लिख देते हैं, जो उन्होंने हमें यूनिट दिया वही हम लिख देते हैं, काउंट्स पर मिनट। अब वो कह रहे हैं कि फिगर 6.1 शोज अ पॉइंट पी अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द डिटेक्टर। कह रहे हैं पॉइंट पी जो है वो डिटेक्टर के बहुत करीब है। A sample of cobalt 60 is placed at P. Average value of count rate is now 975. So आपने यहां पे कोबोल्ट 60 का सैंपल रख दिया पॉइंट पी में, और अब जो रीडिंग आ रही है वो उसकी एवरेज वैल्यू 975 है। रीडिंग एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि नाउ इट्स नॉट जस्ट द बैकग्राउंड काउंट रेट बट द सराउंडिंग के साथ साथ जो अब सैंपल है उसके अंदर से मेजोरिटी रीडिंग आ रही है। सैंपल में से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो डिटेक्ट हो रही है। काउंट रेट इज डिटरमाइंड विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द डिटेक्टर एंड द सैंपल। तो सैंपल और डिटेक्टर के बीच में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे जाएंगे। बीच में यहाँ पे क्या रखेंगे? कभी कुछ भी नहीं रखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे। फिर रखेंगे 4 शीट्स ऑफ पेपर। कहाँ पे रखेंगे? इस जगह पे 4 शीट्स ऑफ पेपर रखेंगे। फिर उसके बाद 1/2 mm की थिकनेस की एल्यूमिनियम की शीट रखेंगे, और फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर थिकनेस की लेड की शीट रखेंगे। और इन सारी रीडिंग्स, उन सब चीजों को रखने के बाद जो रीडिंग आ रही है वो आपको रीडिंग दिखाई जा रही है। तो याद रखो कि हमारा जो बैकग्राउंड काउंट रेट है वो है ऑन एवरेज 32। सैंपल के साथ जो काउंट रेट आ रहा है वो आ रहा है 975, एंड देयर इज नथिंग बिटवीन द सैंपल एंड द डिटेक्टर। सो दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रीडिंग दैट वी आर गेटिंग। अब 4 शीट्स ऑफ पेपर
रखने के बाद रीडिंग आ रही 976. सो क्या ये रीडिंग आप कहोगे कि इंक्रीज हुई है रीडिंग यहां से यहां तक? रीडिंग कोई इसमें आप इस वुड यू कंसीडर इट एन इंक्रीज इन द रीडिंग और अ डिक्रीज इन द रीडिंग, और वुड यू से दैट द रीडिंग इज बेसिकली द सेम? इन दोनों के अंदर आप कहोगे कि शीट्स ऑफ पेपर रखने से रीडिंग में कोई चेंज आया या नहीं आया? व्हाट वुड यू से? कोई चेंज रीडिंग में नहीं आया. ये और ये सेम ही कंसिडर की जाएगी. ये माइनर सी जो फ्लक्चुएशन है वो रैंडमनेस की वजह से, रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, तो माइनर फ्लक्चुएशन आ रही है. लेकिन इस बात को याद रखो कि क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब पेपर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मतलब ऐसी कोई रेडिएशन डिटेक्टर से नहीं, हम ऐसी कोई रेडिएशन सैंपल से नहीं निकल रही जो कि शीट्स ऑफ पेपर से रुके. नाउ शीट्स ऑफ पेपर जो है वो कौन सी रेडिएशन रोक सकती है? शीट्स ऑफ पेपर से कौन सी रेडिएशन स्टॉप हो जाती है अगर वो मौजूद हो तो? शीट्स ऑफ पेपर से अल्फा स्टॉप हो जाती है अगर वो हो तो. तो अगर अल्फा स्टॉप हो रही होती तो रीडिंग को डिक्रीज करना चाहिए था, बट देयर इज नो चेंज, व्हिच मींस कि वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि अल्फा पार्टिकल्स नहीं डिटेक्ट हो रहे. अल्फा पार्टिकल्स जो है वो जो सैंपल से नहीं निकल रहे. द सैंपल कोबाल्ट 60 इज नॉट एन अल्फा एमिटर. अच्छा, उसके बाद आप रखते हो 0.5 mm की एल्यूमिनियम की शीट. अब एल्यूमिनियम कौन सी चीज को रोक लेता है? अगर अल्फा होगा तो अल्फा को भी रोक लेगा, लेकिन साथ साथ और किसको रोक लेगा? ये बीटा को भी रोक लेगा अगर बीटा है तो. अब आप ये देखो कि इसके मुकाबले में, ओरिजिनल रीडिंग के मुकाबले में, एल्यूमिनियम शीट रखने से रीडिंग में डिक्रीज आ रहा है. ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट डिक्रीज है. तो इसका मतलब क्या चीज स्टॉप हो रही है? अल्फा तो अगर है तो स्टॉप हो ही रही है, लेकिन हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि अल्फा तो है ही नहीं. लेकिन अब इससे हमें यह भी पता चल गया कि बीटा एमिशंस जो हैं वो स्टॉप हो रही हैं, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी अ डिक्रीज इन द रीडिंग. सो एल्यूमिनियम के रखने से रीडिंग में सिग्निफिकेंट डिक्रीज आया है, और इससे ये पता चल रहा है कि भाई बीटा पार्टिकल्स जो थे अब वो स्टॉप हो रहे हैं. तीसरे टाइप की रेडिएशन होती है गैमा. एल्यूमिनियम की इतनी सी थिकनेस की अगर शीट होगी तो वो बीटा को रोक लेगी, लेकिन गैमा को नहीं रोक सकती. इसीलिए अगर आप ये देखो कि रीडिंग डिक्रीज तो हो रही है, बट इट डज नॉट गो बैक टू द बैकग्राउंड काउंट रेट. याद रखो बैकग्राउंड की वैल्यू थी 32. अगर ये रीडिंग बैक टू 32 चली जाती तो इसका मतलब है कि जितनी भी रेडिएशन आ रही है वो सारी की सारी रुक गई है, और वो जितनी भी रेडिएशन थी वो सबकी सब बीटा ही है. अल्फा भी नहीं है और गैमा भी नहीं, सिर्फ बीटा है. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, कुछ रेडिएशन अभी भी शीट के अंदर से पास कर रही है और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर पा रहा है. दैट्स व्हाई कि इसका मतलब कि इसके अंदर गैमा भी एग्जिस्ट करती है, और गैमा जो है वो डिटेक्टर तक पहुंच रही है. और गैमा को रोकने के लिए आपको कुछ सेंटीमीटर की थिकनेस का लेड का शीट चाहिए होता है. तो लेड की जब शीट लाए तो रीडिंग अब फर्दर ड्रॉप हो रही है, विच बेसिकली मीन्स कि अब गैमा भी थी, इसका मतलब गैमा रेडिएशंस भी निकल रही थी हमारे सैंपल से, और वो अब डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पा रही बिकॉज ऑफ दिस लेड. सो लेड डिड मेक अ डिफरेंस, एंड दैट मींस कि गैमा रेडिएशंस वाज आल्सो देयर. बट द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई अब आपकी बीटा भी आपने रोक ली और गैमा भी आपने रोक ली और अल्फा तो थी ही नहीं, तो फिर अब रीडिंग ऑल द वे डाउन टू 32 क्यों नहीं जा रही? रीडिंग ऑल द वे बैक डाउन टू बैकग्राउंड काउंट रेट क्यों नहीं जा रही? इसका मतलब ये हुआ कि जो लेड की शीट है वो गैमा को रोकती तो है, लेकिन पार्शियली रोकती है. पूरा कंप्लीटली गैमा को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि गैमा जो है वो उसकी पेनेट्रेशन पावर वो बहुत ज्यादा होती है. ऑलराइट, तो हमें ये समझ में आ गया कि अल्फा एमिटर है ये सैंपल कोबाल्ट 60, अल्फा एमिटर नहीं है. बीटा एमिटर है, बिल्कुल है, और गैमा एमिटर भी है. तो हमने सारी बात डिस्कस कर ली. अब क्वेश्चन बच्चों की तरह हो जाएगा. पहले तो कह रहे क्या बताएं कौन कौन सी रेडिएशन एमिट हो रही है बाय कोबाल्ट 60. तो हमें पता लग गया अल्फा तो एमिट हो नहीं रही, बीटा एमिट हो रही है और गैमा एमिट हो रही है. ये बात डिस्कस हो गई, समझ में आ गई बात. अब वो कह रहे हैं दिस रेडिएशन प्रोड्यूस व्हेन कोबाल्ट 60 डिकेज इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ डॉटर प्रोडक्ट एक्स
डॉटर प्रोडक्ट इज नॉट रेडियो एक्टिव, डॉटर प्रोडक्ट खुद स्टेबल है, कह रहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दें एक्स में कितने होंगे। वेल आप इक्वेशन बना लो ना, आप एक ही दफा इक्वेशन बना लो, आपका आसान हो जाएगा। यहाँ 60 है और यहाँ 27 है। अब आपने अभी अभी पढ़ा कि कौन सी टाइप की रेडिएशन एमिट हो रही है, बीटा रेडिएशन एमिट हो रही है, साथ साथ गैमा रेडिएशन भी एमिट हो रही है। लेकिन याद रखो गैमा इटसेल्फ इज जस्ट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू एक्स, बट बीटा डज मेक अ डिफरेंस टू एक्स। नाउ वी नो के जब बीटा एमिशन होती है तो एक्स के अंदर जो प्रोटॉन नंबर है और न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो हमें याद हो जाना चाहिए। इसमें हमेशा प्लस वन का डिफरेंस आता है तो ये 28 बन जाएगा और ये सेम रहता है, ये 60 ही रहेगा। तो इससे हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स में कितने होंगे, 28। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, वेल वो 60 - 28 करके पता लगेंगे। 60 इज नॉट द न्यूट्रॉन नंबर, इट इज बेसिकली द न्यूक्लियॉन नंबर। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, कितने न्यूट्रॉन्स है, 60 - 28 करके 32 न्यूट्रॉन्स आएंगे मेरे एक्स के अंदर। याद रखो कि कोबाल्ट के अंदर 32 न्यूट्रॉन्स नहीं थे, ये बात ध्यान में रखना। हमने आप जो कह रही हो ना न्यूट्रॉन सेम होंगे, देखो कोबाल्ट में 33 न्यूट्रॉन्स थे और 27 प्रोटॉन्स थे, एक्स के अंदर 28 प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन ज्यादा है और एक न्यूट्रॉन कम है। हाँ न्यूक्लियॉन नंबर सेम रह रहा है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैज डिक्रीज बाय वन। और याद रखेंगे वो एक न्यूट्रॉन ही है जो कि कन्वर्ट होकर प्रोटॉन बन चुका है, इसीलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक कम आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ज्यादा आएंगे। व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ, इसकी डेफिनेशन पक्की याद होनी चाहिए और इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई इन द सैंपल टू डिके। अब आप याद रखो कि हाफ लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ नहीं होते बल्कि एक्टिविटी या जो आपका काउंट रेट है वो भी हाफ हो जाता है। अब वो कह रहे हैं व्हेन देयर इज अ लेड शीट बिटवीन द डिटेक्टर एंड सैंपल द एवरेज काउंट रेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम 6 रीडिंग्स इज टेकन एट 1 मिनट इंटरवल। तो अब कह रहे हैं कि आपको याद है कि जब हमने लेड की शीट रखी थी तो हमारे पास काउंट रेट ऐसे 52 आ रहा था एवरेज वैल्यूज की, लेकिन कह रहे हैं हम उसको बार बार ले रहे हैं, उस रीडिंग को पहले 1 मिनट के बाद ले रहे हैं, हर 1 मिनट के बाद ले रहे हैं। ये देखो टेकन एट 1 मिनट इंटरवल्स, तो पहले मिनट पे ले रहे हैं, फिर 2 मिनट बाद ले रहे हैं, फिर 3 मिनट बाद ले रहे हैं, 4 मिनट, 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद ये रीडिंग्स ले रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ये रीडिंग्स आ रही हैं 61, 46, 43, 56, 49, 57। साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो सैंपल है कोबाल्ट 60 का उसकी हाफ लाइफ है 5.3 ईयर्स। वुड यू कंसिडर दिस अ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ और वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ? लॉन्ग हाफ लाइफ कंसिडर करेंगे ना, 5.3 years half life है cobalt 60 की, इसका मतलब ये है कि it will take almost more than 5 years for the reading or for the count rate to reduce to half of its initial value. तो अगर initial value है 61 तो 5 साल बाद जाके ये reading इसकी आधी हो जाएगी, लेकिन ये कितना time है यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट का time दिया है इसको। तो क्या 6 मिनट के अंदर reading में कोई खास decrease आना चाहिए? अगर 5 साल में जाके आधी होगी तो 6 मिनट में कोई फर्क पड़ना चाहिए रीडिंग को? पहले तो ये सोचो, व्हाट डू यू थिंक, शुड देयर बी अ चेंज इन द रीडिंग एट ऑल? व्हाट डू यू से? अगर 6 मिनट आप देते हैं तो 6 मिनट में कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज आएगा ही नहीं, एंड इनफैक्ट यहां पे कोई डिक्रीज आ भी नहीं रहा। अगर आप देखो तो आप कह रहे ये जो रीडिंग्स है ये टोटली रैंडम है, यू कांट से दैट दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पे कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। सो ये राउंड अबाउट एवरेज रीडिंग के आसपास ही है। 6 मिनट में जिस चीज की हाफ लाइफ ही 5 साल से ज्यादा है,
उसको 6 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं यही बात आप यहाँ पे बताएं, देर आर रीजन्स, रीजन्स के वेरिएशन जो है वो रीडिंग्स में ये रैंडम वेरिएशन है, एंड इट्स नॉट बिकॉज के कोबाल्ट 60 के एटम्स डिक्रीज हो रहे हैं, कोबाल्ट 60 के एटम्स डिक्रीज नहीं हो रहे, बल्कि ये जो रीडिंग में वेरिएशन आ रही है इसकी दो पर्टिकुलर रीजन है। वेल, दो पर्टिकुलर रीजन होती है रैंडमनेस इन टाइम, रैंडमनेस इन टाइम, रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम, रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो है, लेकिन रैंडमनेस भी दो तरह की होती है, और हम कहते हैं कि रैंडमनेस इन डायरेक्शन। अब इन दोनों रैंडमनेस को एक्सप्लेन कर देते हैं, हम ये बताएंगे इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इन द सैंपल will decay. Let's explain this first part. You have this sample of cobalt 60. Is cobalt 60 ke andar trillions and trillions of molecules nuclei hai, lekin ye wala jo nucleus hai iske upar sawal ye aata hai ki ye wala jo particular nucleus hai, when will this decay? कोबाल्ट 60 के अंदर बहुत सारे न्यूक्लिया है, लेकिन ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ ये कब डिके करेगा? कैन आई प्रिडिक्ट दिस? आई कैन नॉट, आई हैव नो वे ऑफ टेलिंग कि ये वाला जो न्यूक्लियस है ये कब डिके करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये कब डिके करेगा। सो इट इज द रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, बट इट्स रैंडम इन टर्म्स ऑफ टाइम, विच मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके। नाउ रैंडमनेस इन डायरेक्शन का क्या मतलब है? जब ये डिके हो जाएगा न्यूक्लियस, तो इसमें से हमने पढ़ा है कि बीटा एमिशन हो रही है और गैमा एमिशन हो रही है। अब ये बताओ कि जो बीटा पार्टिकल इसमें से निकलेगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, और जो गैमा एमिशन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? कैन वी प्रिडिक्ट कि किस डायरेक्शन में गैमा एमिशन होगी, किस डायरेक्शन में बीटा एमिशन होगी? वी डोंट नो। तो इसका मतलब हमें ये भी नहीं पता कि किस डायरेक्शन में, क्लाउड चेंबर की डिटेल देखा जाए तो एक दफा आप रीड कर लें तो बस बहुत है, काफी है कि उसमें वो ट्रैक्स बनते हैं, क्लाउड के ट्रैक्स बनते हैं, ट्रेल्स बनते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। उसमें कौन सी गैस होती है, कौन सा वेपर होता है, बस कूल वेपर होता है और उसके अंदर वो एक क्लाउड ट्रेल बन जाता है, दैट्स अबाउट इट। और ज्यादातर वो एल्फा की डिटेक्शन में यूज होता है पुराने जमाने का, बस दैट्स इट। ठीक है, तो हम ये बताएंगे इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट in which direction ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन आज कर लिया, लंबा क्वेश्चन था ये, और लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। ओके, हियर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2018, और इसको देखें। अब जरा चेक करेंगे इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आप आंसर्स भी दें ताकि ज़रा जल्दी भी हम कर सकें। एक आइसोटोप है प्लूटोनियम 239 का, और उसमें से अल्फा एमिशन होती है, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम में। हाफ लाइफ जो है वो इसकी बता रहे हैं 2.4 × 10⁴ ईयर्स है, मतलब तकरीबन 24,000 ईयर्स प्लूटोनियम की हाफ लाइफ है। That is a very long half-life. If something has a very long half-life, it means कि उसके अंदर जो radioactive process है, उसकी जो activity है वो बहुत low होगी, but also it also means कि जो उसका decay का जो decrease है, जो count rate decrease होने का जो time है, और जो उसकी activity ख़त्म होगी वो बहुत time लगेगी ख़त्म होने में, क्योंकि बहुत स्लोली उसके जो एटम्स हैं, उसके जो न्यूक्लिया हैं वो डिके कर रहे हैं।
कह रहे इक्वेशन कंप्लीट कर दो। वेल प्लूटोनियम के लिखे हैं मैं, पहले सबसे पहले तो अल्फा के तो आपको पक्के याद होने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए नीचे वाला, अगर यहाँ टू लिखा हुआ है तो उस 94 में से 2 माइनस कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 92, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। साथ साथ ये भी आपको याद होना चाहिए कि ऊपर वाला नंबर जो है वो अल्फा डीके में हमेशा -4 होता है, बट ऑल्सो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 235 + 4 शुड गिव यू 239। दैट्स इट, आसान सा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं काउंट रेट मेजर ड्यू टू अ प्योर सैंपल ऑफ प्लूटोनियम इज 6400 काउंट्स पर सेकंड, सो इनिशियल काउंट रेट है। कह रहे हैं कैलकुलेट द काउंट रेट आफ्टर दिस दिस मेनी इयर्स हैज पास्ड। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करते हो, कल मैंने आप लोगों को बताया था एक इक्वेशन आप लोगों को पढ़ाई थी, मैंने कहा था यार ये है फाइनल नंबर ऑफ एटम्स, ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है और ये है 1/2 की पावर n। अब इसके अंदर आपने लिखा था नंबर ऑफ एटम्स लिखे थे यहाँ पे, लेकिन अब आप यहाँ पे एक्टिविटी भी डाल सकते हो उसकी जगह या काउंट रेट की वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको छोटा एन निकालना होता है, और छोटा एन मैंने बताया था क्या चीज होती है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, कितनी हाफ लाइव्स गुजर रही है इतने टाइम में। अगर एक हाफ लाइफ इतने सालों की है तो इतने सालों में कितनी हाफ लाइव्स गुजरेंगी, सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ हाफ लाइव्स निकालेंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कैसे आती है बेटा, एन इज फाउंड बाय टेकिंग द टोटल टाइम एंड डिवाइडिंग इट बाय द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ। टोटल टाइम उन्होंने बताया कि इतना टाइम एक्चुअली गुजर गया है, इतने साल गुजर गए हैं, और एक हाफ लाइफ जो है उसकी वैल्यू इतनी है, तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या है, स्मॉल एन की वैल्यू आई 5 हाफ लाइफ्स। अब इसको फाइनल काउंट रेट को निकालने का एक तरीका है, मेंटली कर लो एक हाफ लाइफ के बाद 6400 आधा होके क्या हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि 6400 आधा होके क्या हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। एक हाफ लाइफ गुजर गई, दो हाफ लाइफ गुजर जाएंगी, एक और हाफ लाइफ जब गुजरेगी तो ये 3200 आधा होके क्या हो जाएगा 1600। एक और हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो ये हो जाएगा 800। एक और हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो ये हो जाएगा 400। अभी तक कितनी हाफ लाइफ गुजर गई, 1, 2, 3, 4, और एक और 5वीं हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो काउंट रेट रह जाएगा 200। एक तरीका इसको करने का ये है। दूसरा तरीका है कि आप ये फॉर्मूला यूज कर लें। ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, फाइनल वैल्यू आपको निकालनी है, इनिशियल वैल्यू आपको पता है 4, 6400 है, और 1/2 की पावर n होती है, लेकिन आपने n की वैल्यू निकाली है 5। 2 की पावर 5 क्या होता है बेटा, 32 होता है। 6400 को 32 से डिवाइड कर लो, 6400 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे 200 ही आ गया, ये आपका आंसर आ गया। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, कल भी हमने हाफ लाइफ के काफी सवाल किए थे लेकिन कंफ्यूजन उन्हीं में आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि कंफर्म कर लूं कि भाई सबको ये समझ में आ गए स्टेप्स। दो तरीकों से आपको मैंने करने का तरीका बताया, एन की वैल्यू तो आपने आइदर वे निकालनी ही निकालनी है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी पास हुई वो तो आपने निकालनी है, उसके बाद अब आप आगे मैनुअली कर लो, 2 से डिवाइड करते चले जाओ इनिशियल वैल्यू को, 5 दफा करना है टोटल, या फिर सिंपली 2 से 5 दफा डिवाइड करने का ये भी तो मतलब है कि डिनोमिनेटर में 5 दफा 2 लिख रहे हो, 5 दफा 2 लिखने का मतलब है 2 की पावर 5 लिख दो डिनोमिनेटर में, एक ही बात हो गई ना। सो आंसर आ रहा है बेटा 200 काउंट्स पर सेकंड आफ्टर 5 हाफ लाइव्स विल हैव पास्ड। ओके, ये है आपका अल्फा पार्टिकल जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है। कह रहे हैं कि ड्रॉ द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द पेज, हाउ विल यू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब या तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा या नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, किस तरफ नहीं डिफ्लेक्ट हो सकता, इट कैन नॉट गो इन टू द पेज और आउट ऑफ द पेज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी इन आउट ऑफ द पेज। इट कैन नॉट ऑल्सो गो लाइक दिस, और इस पे इस तरह और इस तरह भी फोर्स नहीं लग सकती अल्फा पार्टिकल पे बिकॉज उस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है।
पॉजिटिव विल ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट. व्हाट डज दैट मीन? पॉजिटिव विल ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट. पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो तुम्हारी, पॉजिटिव पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो तुम्हारी करंट की डायरेक्शन है. ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ लिया था. पॉजिटिव पार्टिकल जब ट्रेवल कर रहा है जिस डायरेक्शन में, वो तुम्हारा करंट है एक तरह से. दिस इज योर कन्वेंशनल करंट और आई. ये आप अपनी मिडिल फिंगर से शो करते हो. हम यहाँ पे कौन सा रूल लगा रहे हैं बेटा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि जब अल्फा पार्टिकल फील्ड में एंटर होगा तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी. यू मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन चार्ज पार्टिकल्स पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देम, सो दे एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हिच चेंज देयर डायरेक्शन. सो एज अल्फा पार्टिकल्स एंटर एंड दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द राइट, माई मिडल फिंगर विल बी पॉइंटिंग टू द राइट. मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज, सो हमारी जो, हाँ, इस केस में टूवर्ड्स राइट ही रखेंगे. बिल्कुल, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा हो तो उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर रखते हो. ओके, नाउ द इंडेक्स फिंगर विल पॉइंट टूवर्ड्स योरसेल्फ आउट ऑफ द पेज, व्हिच मींस के थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा. इससे पता चल गया कि अल्फा पार्टिकल जो है वो नीचे की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा. अब ये याद रखो, जो कर्व पाथ बना रहे हो पर्टिकुलरली, इसके बारे में ये याद रखना है कि ये एक सर्कुलर पाथ है. जितना मर्जी बना लो आप, कर्व ज्यादा कर लो, कम कर्व कर लो, चलो थोड़ा कम कर्व कर लेते हैं, बिकॉज अल्फा पार्टिकल जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होते, बहुत हैवी होते हैं कंपेयर टू बीटा. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल न्यू जाएगा और फिर यहाँ से जाने के बाद सीधा निकल जाएगा, बिकॉज एक दफा फील्ड से निकल गया तो अब उस पर कोई और नो लॉन्गर देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सो इट जस्ट पासेस. व्हाई इट फॉलोज द पाथ दैट यू ड्रू? फोर्स इज exerted on a charged, वो भी positively charged particle when it travels perpendicular to a magnetic field. डायरेक्शन आपने किस तरह निकाली? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. इफ यू वांट टू से कि मैंने डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाली, तो आप रख दो कि मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया. इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन अ पावर स्टेशन, प्लूटोनियम 239 इज मेड टू अंडरगो न्यूक्लियर फिजन. फिजन क्या होती है? व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, फ्यूजन का बिल्कुल उल्टा है, हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियर में स्प्लिट कर जाता है. ठीक है बेटा, ऑलराइट. स्टेट व्हाट हैपेंस टू प्लूटोनियम 239 इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू कॉज फिजन. क्या आपको याद है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि जिसकी वजह से फिजन हो जाता है? अच्छा, अब हमने जो न्यूक्लियर पढ़ा है, हमने जो फिजन का प्रोसेस पढ़ा है, उसके अंदर हमने लिखा था कि हमारे पास यूरेनियम 235 होता था और उसको हम यूरेनियम 236 बनाते थे बाय बम्बार्डिंग इट विद अ न्यूट्रॉन. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी ये बात लिख सकते हैं कि प्लूटोनियम के साथ भी सेम यही काम किया जाता है कि इट बेसिकली इज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, एंड दैट कॉजेज द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम टू बिकम अनस्टेबल एंड देन स्प्लिट इनटू टू. तो हम बता देंगे, इट एब्जॉर्ब्स स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. ठीक है, आपका जो ओरिजिनल लेक्चर है उसमें यूरेनियम 235 इस पर्पज के लिए यूज हो रहा है एज द फ्यूल. इस वाले क्वेश्चन के अंदर प्लूटोनियम यूज हो रहा है, बट द अदर प्रोसेस रिमेन्स बेसिकली द सेम. स्टेट वन एडवांटेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन ओवर एन ऑयल फायर पावर स्टेशन और विंड टर्बाइन. सो क्या फायदा है न्यूक्लियर पावर स्टेशन का ओवर? नो ग्रीन हाउस एमिशंस, एक फायदा तो ये है. और क्या है? हाँ, इसी से हमने क्या कहते हैं, ये एक पॉइंट हमारे पास हो गया कि ग्रीन हाउस एमिशन नहीं होगी तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी. आप पूरा पॉइंट लिख दो. विंड टर्बाइन के मुकाबले में पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन का क्या फायदा है? मोर रिलायबल,
बिकॉज विंड जो है वो रिलायबल नहीं होती, कभी चलती है। हाँ विंड की स्पीड जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, किसी दिन ज्यादा विंडी होगा, किसी दिन कम विंडी होगा, आप लोकेशन बाउंड हो जाओगे, कुछ जगहों पे हवा नहीं चलती, कुछ जगहों पे ज्यादा हवा चलती है। ओके, लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। एक और सवाल है हमारे पास 2020 में जून का, रेडॉन 222 एक सैंपल है जो के इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेस। सो एक तरह का डिके नहीं होता, रेडॉन किसी और चीज में कन्वर्ट होता है, पर वो चीज फर्दर किसी और चीज में डिके होती है। द डायग्राम शोज द प्रोटॉन नंबर, डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है, प्रोटॉन नंबर दिखा रहा है वर्सेज द न्यूक्लियॉन नंबर दिखा रहा है, राइट, ऑफ द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द सीरीज ऑफ डिकेज। सो आप स्टार्ट हो रहे हो रेडॉन 222 से, यहां से स्टार्ट हो रहे हो, उससे डिके होने के बाद ये बन रहा है आर, फिर आर से एस बन रहा है, फिर एस से टी बन रहा है, फिर टी से यू बन रहा है, तो कितने डिके हो रहे हैं, एक दो तीन चार पांच डिके बन रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, पांच डिके हो रहे हैं सीरीज ऑफ। स्टार्टिंग एट पी, ये जो P है ये रेडॉन 222 है और वो बना रहा है Q, फिर Q से बन रहा है R, R से बनता है S और S से T और फिर T से फाइनली पांच डिके हो। रेडॉन 222 emits alpha, the radioactive decay is random, what is meant by random decay of radioactive nucleus? मैंने randomness के अंदर अभी दो बातें explain की थी, वो दोनों बातें मैं यहाँ पे लिखूंगा। randomness के मैंने दो meanings बताए थे, रैंडमनेस इन टाइम एंड रैंडमनेस इन डायरेक्शन। आप एक लिखो या दोनों लिख दो, दोनों करेक्ट कंसिडर किए जाएंगे, मर्जी है, ये दोनों बातें आप लिख सकते हो। स्पॉन्टेनियस का अगर मतलब पूछे तो स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है दैट दैट द रेडियो एक्टिव डिके इज अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर प्रेशर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे रैंडमनेस के दो मीनिंग्स बता रहे हैं। आपसे एक मार्क का क्वेश्चन हुआ है तो रियली यू वुड नीड टू राइट टू ऑफ देम, बट यू कैन राइट बोथ इफ यू वांट, जगह तो है आपके पास। अब कह रहे हैं कि रेडॉन 222 को इस तरह लिखा जाता है, ये रेडॉन 222 का सिंबल है, तो जब अल्फा से डिके करता है तो ये बनाता है पोलोनियम, तो रेडॉन डिके करके पोलोनियम बना रहा है और कह रहे हैं कि ये इक्वेशन कंप्लीट कर दें। अल्फा का तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, 2 4 होता है, प्रोटॉन का सिंबल, न्यूट्रॉन का सिंबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल, अल्फा पार्टिकल का सिंबल, बीटा पार्टिकल का सिंबल, गैमा का सिंबल, इन सब के सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, P11, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, N10, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, E-10, बीटा का भी सिंबल एग्जैक्टली यही होता है -10, बिकॉज बीटा पार्टिकल इज एसेंशियली एन इलेक्ट्रॉन। अल्फा का सिंबल क्या होता है, 2 4, ये सारे सिंबल्स आपको वैसे याद होने चाहिए। अल्फा का पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का सिंबल ये भी होता है हीलियम 2 4, दिस इज आल्सो अल्फा, ठीक है। तो ये तो वो सिंबल्स हैं जो आपको वैसे याद हो जाने चाहिए, ठीक है, आपको एक्सपेक्टेड है कि आप याद रखेंगे। अच्छा, पोलोनियम का यहाँ पे ऑब्वियसली इधर से 2 कम तो 84 और यहाँ से 4 कम तो 218, गैमा के 0 0, it's because it's just not a particle, right, doesn't have a proton number or a neutron nucleon number, name of the particle emitted as r decays to s, jab r s mein decay kar raha hai to kaun sa particle emit ho raha hai is wale decay mein, jab r s mein decay kar raha hai to kaun sa emission ho rahi hai। देखो, प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 1 एंड न्यूक्लियॉन नंबर इज नॉट चेंजिंग, ऐसे ही है ना इक्वेशन। अगर बनाऊं मैं अगर आर से एस की, तो आप नोटिस करो आर से एस की इक्वेशन क्या बन रही है, आर से बन रहा है एस, साथ में पता नहीं क्या एमिट हो रहा है, अभी हम पता लगा लेते हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि आर का अगर आप देखो प्रोटॉन नंबर क्या है तो वो है 82, आर का प्रोटॉन नंबर है
और आर का न्यूक्लियॉन नंबर है 214 फ्रॉम द एक्स एक्सिस. अब जो एस बन रहा है उसका न्यूक्लियॉन नंबर 214 ही है और उसका प्रोटॉन नंबर आ रहा है 83. ग्राफ से देख के बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं बता रहा. एस की ये वैल्यूज हैं, आर की ये वैल्यूज हैं. अब ये निशानी आपको इक्वेशन देख के पता चल जाना चाहिए कि ये क्या, कौन सा डिके हो रहा है जिसमें प्रोटॉन नंबर बाय वन इंक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियॉन नंबर चेंज नहीं हो रहा. तो ये कौन सा पार्टिकल होगा जो एमिट हो रहा है? ये जो पार्टिकल एमिट हो रहा है ये हो रहा है बीटा. तो आपने यही बताना है कि बस ये बीटा एमिशन हो, बीटा पार्टिकल एमिशन हो. देयर इज अनदर पॉसिबल आंसर, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एन इलेक्ट्रॉन. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एन इलेक्ट्रॉन. डिस्क्राइब द चेंज इन द कॉम्पोजिशन, चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ आर एज इट डिकेज. आप बताओगे न्यूट्रॉन changes into a proton. Or another way of writing it is S will have one less neutron and one more proton. ऐसे भी कह सकते हैं. That's it. That was this question. जब बोर हो जाओ और लगे कि यार अब चीजें रिपीट हो रहे हैं तो मुझे बता देना. We'll stop. ठीक है. If you think that you have gotten the hang of this chapter and nothing feels difficult anymore, that means you don't need more practice. ठीक है. But खुद से बाकी की प्रैक्टिस कर सकते हो. Let's do at least one more question पे देखते हैं. ठीक है. By now I think we have done. बैकग्राउंड काउंट रेट वाला जो कोई सवाल है, एक तो देखो उसके लिए स्पेशली वो वाला जो IGCSE का हमने पेपर किया था अभी रिसेंटली वो अपलोड हो चुका है, उसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन था वो जाके दोबारा देखना. एक हमने ओ लेवल के रिसेंट कोई पेपर जो किए थे 2022 के, उसके अंदर बैकग्राउंड का एक बहुत अच्छा सवाल था ग्राफ वाला, वो वाला दोबारा से रिव्यू करना. ठीक है. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट, सो अब मैं ढूंढ के दोबारा करवाऊंगा तो वो एक तरह से रिपीट हो रही होगी चीज मेरी तरफ से. सो सिंस वी हैव डन इट इन क्लास, you should just go there and find that कि वो कौन से पेपर का कौन सा सवाल था. मैं आपको गाइड दे दिया, एक तो IGCSE का जब भी हमने पेपर किया उसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी का सवाल था वो वाला, और जो हमने ओ लेवल के जो रिसेंट पासवर्ड सॉल्व किए थे उसमें से 2022 का ही कोई क्वेश्चन था या स्पेसिमेन का था जिसमें इसी तरह बैकग्राउंड का बहुत अच्छा क्वेश्चन था. वो डेफिनेटली उसमें बैकग्राउंड को प्लस माइनस करने की बहुत इंपॉर्टेंट उसमें प्रैक्टिस है. सो वो डेफिनेटली दो क्वेश्चन तो लाजमी रिव्यू कर लेना और मेरी एक्सप्लेनेशन साथ में वीडियो के साथ आप देख लेना. ठीक है. तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. और अगर कोई क्वेश्चन आता है इस फाइल के अंदर बैकग्राउंड का तो वो हम देख लेते हैं. व्हाट इज मेंट बाय रेडियोएक्टिव डिके? व्हेन एन अनस्टेबल, अनस्टेबल मेंशन करना है न्यूक्लियस, और फिर वो क्या करता है, एमिट करता है रेडिएशंस, आयनाइजिंग रेडिएशंस भी लिख सकते हो, बट डज व्हाट एट द सेम टाइम इट डिसइंटीग्रेट्स. डिसइंटीग्रेट होता है मतलब उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज आता है. टू बिकम स्टेबल. कार्बन 14 इज कंटेन्ड इन अ थिन एल्युमिनियम कंटेनर ऑफ थिकनेस 0.2 mm. स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि कितनी थिकनेस का और कौन से मटीरियल का कैन है जिसमें वो कंटेनर है जिसमें कार्बन 14 रखा है. रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल इज डिटेक्टेड आउटसाइड द कंटेनर. इसका मतलब है कि रेडिएशन उसमें से निकल रही है. व्हेन द थिकनेस ऑफ एल्युमिनियम इज इंक्रीज्ड टू 6 mm, नो रेडिएशन इज डिटेक्टेड. टाइप ऑफ रेडिएशन विच इज स्टॉप बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ एल्युमिनियम. कौन सी रेडिएशन है जो 0.2 mm से तो स्टॉप नहीं हो रही लेकिन थोड़ी सी mm और बढ़ाए तो वो रुक गई. स्पेसिफिकली ये बीटा है क्योंकि अल्फा होती तो वो 0.2 mm के एल्युमिनियम से भी रुक जाती और अगर गैमा होती तो 6 mm से भी ना रुकती. तो ये बीटा ही है जो कि फ्यू mm ऑफ एल्युमिनियम से रुक जाती. हाउ यू नो दैट द सैंपल डज नॉट एमिट वन अदर टाइप ऑफ रेडिएशन? हाउ डू यू नो कि वन अदर टाइप कौन सी है? या तो बीटा या तो अल्फा या गैमा, इन दोनों में से कोई एक बता दे कि आपको कैसे पता कि वो एमिट नहीं हो रही. जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया रीजन, मैंने कहा भाई अल्फा होती ही तो वो तो 0.2 mm से भी पास ना कर पाती. राइट, सिंपल सी बात है. सो अगर
अल्फा होती तो रेडिएशन पहले ही डिटेक्ट ना हो रही होती आउटसाइड द कंटेनर. अल्फा एमिट हो रहा होता तो आउटसाइड द कंटेनर वो निकल ही ना पाते. तो थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज करने से ऐसे रीडिंग में कोई फर्क ना पड़ता. ठीक है, इसी तरह अगर गैमा होती तो उससे ये होता कि चाहे आपकी थिकनेस 0.2 mm होती है आपकी थिकनेस 6 mm होती, उसने इन ईदर केस निकल जाना था और वो डिटेक्ट हो जाती. सो अगेन आपके थिकनेस बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इसलिए हम ये बताएंगे द चेंज इन थिकनेस causes a decrease in radiation detected outside the container. आप GM ट्यूब लेके बैठे हो कंटेनर के बाहर और उसकी थिकनेस को चेंज करने से डेफिनेटली रीडिंग पे फर्क पड़ा है, रीडिंग कम हो रही है जब आप थिकनेस बढ़ाते हो. इफ अल्फा और गैमा रेडिएशन वर एमिटेड देन, पहले से हम अल्फा का लिखते हैं. इफ अल्फा रेडिएशन वॉज एमिटेड, तो अल्फा के लिए हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे. इफ अल्फा रेडिएशन वॉज एमिटेड तो 0.2 mm की थिकनेस के साथ और 6 mm की थिकनेस के साथ रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई रेडिएशन डिटेक्ट ही नहीं होती. देन नो रेडिएशन वुड हैव बीन डिटेक्टेड सिंस दे कैन नॉट पास और पेनेट्रेट 0.2 mm थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम. और अगर गैमा की बात करो तो आप उसमें भी बोल सकते हो कि नो चेंज आता, चेंज कोई नहीं आता और 0.2 mm और 6 mm की थिकनेस से एक ही रीडिंग आती, फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि गैमा जो है इट कैन पास थ्रू 6 mm एज वेल 0.2 mm एज वेल, तो रीडिंग में कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सो इनमें से कोई एक पॉइंट मेंशन करना है, दोनों लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने वन अदर टाइप बोला है. ठीक है, ओके. सो क्या ख्याल है, हो गया ये? कोई और क्वेश्चन है? आई गेस ये एक हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन है ग्राफ का, ये कर लेते हैं एंड देन वी कैन बी डन विद दिस चैप्टर. तो ये क्वेश्चन है पूरा लंबा वाला ग्राफ वाला, इसको बस कर लेते हैं फिर हमारी क्लास जो है वो आज एंड है. ठीक है, क्योंकि डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चन है और ग्राफ्स वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी होते हैं. ऑलराइट, चलो ये कर लेते हैं. चलो जी, रीड करो क्वेश्चन, एक मिनट होल्ड करो क्वेश्चन, पहले दो पार्ट्स करो. ऑलराइट, कह रहे हैं कि भाई स्टेट द नेम ऑफ वन टाइप ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर. एक ही टाइप जो सबसे कॉमन है जो आपको याद होना चाहिए, जीएम ट्यूब. इसका फुल नेम भी याद करने की जरूरत नहीं, गीगर मुलर ट्यूब, जीएम ट्यूब. एक और आप जो लिख सकते हो वो है क्लाउड चेंबर एंड दैट्स अबाउट इट. इतने ज्यादा आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इतने सारे डिटेक्टर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है. वन सेफ्टी प्रिकॉशन दैट मस्ट टेक व्हेन यूजिंग अ रेडियोएक्टिव सोर्स, handle using tongs or maybe you can wear lead lined gloves etc etc. ठीक है, teacher takes states that the emission from the source is random in time. What is meant by random in time? Random in time का मतलब लिख चुके ना, मैं repeat तो ना करूं. I think it's fine. रैंडम इन टाइम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, रैंडमनेस इन टाइम और रैंडमनेस इन रेडिएशन दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया था. तो रैंडमनेस इन टाइम को आपने डिफाइन कर दिया,
अब वो कह रहे हैं हाउ एपरेटस इज यूज टू शो के रेडिएशन इज रैंडम इन टाइम. रैंडमनेस इन टाइम का मतलब ये था, वर्बली डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके, लाइक एट विच पॉइंट अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके. हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट एक पॉइंट पॉइंट करके न्यूक्लियस बताएगा अब ये वाला डिके करेगा, अब ये वाला डिके करेगा. लेकिन एपरेटस से उसके बारे में कैसे पता चलता है? बेटा ये जो रीडिंग्स आती है ना आपकी ओवर शॉर्ट टर्म, ये रीडिंग्स क्या करती हैं? फ्लक्चुएट करती हैं. अब ये आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस में डेटा देखा था कि रीडिंग जो है वो ऐवे ही फ्लक्चुएट कर रही होती है, और वो फ्लक्चुएशन इस वजह से नहीं होती, वो फ्लक्चुएशन इस वजह से नहीं होती कि एक्टिविटी कम या ज्यादा हो रही होती है, बस वो रैंडमनेस की वजह से हो रही होती है फ्लक्चुएशन. ये देखो अभी एक सैंपल है जिसकी आप ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 6 डिफरेंट रीडिंग्स ले रहे हो विद इन अ फ्यू मिनट्स, एंड यू कैन सी दैट देयर इज नो इंक्रीज और पर्टिकुलर डिक्रीज इन द रीडिंग, इट्स जस्ट फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन, व्हिच बेसिकली मींस के ये रैंडमनेस है. यहाँ पर भी देखो एक ऐसा सैंपल था जिसकी हाफ लाइफ थी 5 ईयर्स से भी ज्यादा, 6 मिनट के अंदर उसकी 6 रीडिंग्स ली, कोई खास इंक्रीज या डिक्रीज आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, इट्स टोटली रैंडम, यू कांट प्रिडिक्ट द रीडिंग. और ये जो देखे ये जो फ्लक्चुएशन है ये बेसिकली शो करती हैं कि रीडिंग जो है वो रैंडम है. तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, हम क्या लिखेंगे, The count rate value will fluctuate over a short time interval, short time period. हाँ, अगर over a long period of time आप जो वो readings को जो है वो क्या कहते हैं, over a long period of time आप reading ले रहे हो किसी ऐसे सैंपल की जिसकी हाफ लाइफ जो है वो सालों में नहीं है, कुछ घंटों में है, तो आपको रीडिंग में ग्रेजुअल डिक्रीज नजर आएगा, और वो जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है वो एक्टिविटी कम होने की वजह से हो रहा होता है. लेकिन ये जो रैंडम फ्लक्चुएशंस होती है रीडिंग में, ये जो है वो आपकी यहाँ से होती है. अब ऐसे एक्सपेरिमेंट में जिसमें आप रैंडमनेस शो करना चाह रहे हो, तो आप सैंपल जो यूज करो वो ऐसा सैंपल यूज करो, सैंपल शुड हैव अ लॉन्ग हाफ लाइफ, शुड हैव अ लॉन्ग हाफ लाइफ. क्यों? क्योंकि अगर सैंपल की हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होगी तो उसमें डिक्रीज आपको क्लियर कर नजर आएगा रीडिंग्स के अंदर. हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा सैंपल हो जिसकी हाफ लाइफ लंबी हो, जिसके अंदर कुछ मिनट्स में कोई खास रीडिंग में चेंज ना आ रहा हो, उसकी एक्टिविटी में कोई फर्क ना आ रहा हो, लेकिन जो रीडिंग में चेंज आ रहा होगा वो बस रैंडम फ्लक्चुएशन होंगी. वट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन? सो दिस इज द रेडिएशन डिटेक्टेड without any radioactive sample nearby. ये वो रेडिएशन है जो कि हमेशा प्रेजेंट होती है आपकी एनवायरमेंट में, ऑलवेज प्रेजेंट ड्यू टू सराउंडिंग्स. और इसकी डिफरेंट रीजंस है, रेडॉन गैस कमिंग फ्रॉम द अर्थ है, इट इज अ कॉस्मिक rays from outer space, hospitals में radioactive samples का use होना, atomic weapons testing और ये सारी चीजें. तो surrounding में बहुत से सारे ऐसे factors हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत radiation हर वक्त detect हो रही होती है, लेकिन वो आपके particular sample जो आप test कर रहे हो तो उसकी वजह से नहीं होती. A teacher measures the count rate due to the source का count rate measure कर रही है. Describe how count rate is corrected for background. How do you correct the count rate for background? First, you measure the background count rate without any source nearby. पहले आप एवरेज बैकग्राउंड काउंट रेट ले लेते हो, सपोज करो वो आ रहा है 20, ठीक है? उसके बाद आप मेजर करते हो सोर्स के साथ, देन मेजर द काउंट रेट विद द सोर्स प्रेजेंट एंड देन यू सब्ट्रैक्ट द बैकग्राउंड फ्रॉम इट टू गेट द काउंट रेट ओनली ड्यू टू द सोर्स, ठीक है?
तो अगर अब आपकी रीडिंग आ रही है लेट सपोज 108, तो उसमें से 20 निकाल दोगे तो एक्चुअल जो रीडिंग होगी करेक्टेड रीडिंग वो होनी चाहिए कितनी, 88 होनी चाहिए फॉर एग्जांपल। अब वो कह रहे हैं कि जी काउंट रेट, करेक्टेड काउंट रेट ही दिया हुआ ग्राफ के अंदर, तो ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि इसमें करेक्टेड काउंट रेट आपको दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी इसमें से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ये सिर्फ ड्यू टू द सोर्स वाला जो है वो आपको काउंट रेट मिल रहा है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द काउंट रेट ओवर हियर बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी कर लिया। लेकिन ये जो ग्राफ है ये काउंट रेट वर्सेस टाइम का नहीं है बेटा, ग्राफ टाइम वाला ग्राफ जो होता है वो की एक बड़ी पर्टिकुलर शेप होती है, एक्सपोनेंशियल वाली शेप होती है, वो नहीं है। ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, ये देख रहे हो डिटेक्टर और सोर्स के बीच में ये जो डिस्टेंस डी है ना वो इसको चेंज कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सोर्स को डिटेक्टर से दूर लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि रीडिंग ग्रेजुअली ग्रेजुअली डिक्रीज करती है पहले और फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आके एकदम से रीडिंग ड्रॉप कर जाती है और फिर रीडिंग यहाँ पे आके बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। तो भाई डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में ऐसी क्या स्पेशल वैल्यू है, ये 3 point something या 3 centimeter की डिस्टेंस में ऐसी क्या स्पेशल वैल्यू है, इसमें जाके रीडिंग एकदम से सडन ड्रॉप क्यों कर रही है। ये जो रीडिंग आ रही है तकरीबन हमारी आ रही है 3.2 की कह लें, 3.1 कह लेते हैं, 3.1 centimeter, कोई 3.2 बोलेगा कोई 3.1 बोलेगा, एक ही बात है रफी, नहीं हमें तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकला, मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये वाला है, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस तो 4.5 वाला, क्योंकि इसके बाद तो बिल्कुल ही रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हो रही सोर्स से, तो यस 4.5 centimeter, बट यहाँ पे जाके सडन डिक्रीज आ रहा है कि इसके बाद बहुत सारी रेडिएशन तो आपके डिटेक्टर तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो ये कौन सी टाइप की रेडिएशन है, हु कैन टेल मी द आंसर, ये कौन सी टाइप की रेडिएशन है जो कि 3-4 centimeter से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारे डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पा रही, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज दिस। कौन सी टाइप की रेडिएशन है, अल्फा बीटा या गामा से में, जिसकी एयर में रेंज जो है वो 4-5 centimeter से ज्यादा नहीं होती, ये कौन सी, अल्फा, अल्फा। So I guess the internet got disconnected, इस वजह से थोड़ी देर के लिए स्क्रीन गायब हो गई थी, now we are back. So alpha थी, beta की जो range है वो it is a few meters in air, and then gamma की range तो almost infinite है, वो बहुत दूर तक travel कर सकती है without getting absorbed by the air. अब इसकी reason क्या है, वो हमें पता है कि alpha particles can only travel a few centimeter in air, और इसकी रीजन क्या है कि वो एयर में इतना कम क्यों ट्रेवल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर, मतलब उनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी कम क्यों है या उनकी रेंज इतनी कम क्यों है, बिकॉज उनकी आयनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, सो जो रेडिएशन जितनी ज्यादा आयनाइजिंग होती है वो उतनी कम पेनिट्रेटिंग होती है, बिकॉज इट इंटरेक्ट्स अ लॉट विद द सराउंडिंग पार्टिकल्स, so it loses its energy very quickly because they are highly ionizing. beta kam ionizing hai to beta jo hai wo thoda sa aur zyada travel kar leta hai air mein, gamma jo hai wo bahut hi kam ionizing hai to it can just keep traveling because it doesn't interact much with the surroundings, as the radiation from the source travels it causes ionization. what is meant by ionization, ionization ka matlab kya hota hai, atom से आयन कैसे बनता है, बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इन दिस केस वी यूजुअली जस्ट राइट द केस ऑफ लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, सो व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इंटरैक्ट्स, अब इंटरैक्ट करने का मतलब है करीब से गुजर रहा है या बेसिकली उससे कोलाइड कर रहा है, इंटरैक्ट्स विद एयर मॉलिक्यूल्स तो वो उनसे क्या ले लेता है, इट रिप्स अवे या उनसे छीन लेता है, इस तरह कह लो, इट रिप्स अवे देयर इलेक्ट्रॉन्स कॉजिंग देम टू बिकम चार्ज पार्टिकल्स जो कि आयन्स होते हैं, राइट, कॉजिंग देम टू बिकम चार्ज आयन्स रादर देन न्यूट्रल एटम्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। हाफ लाइफ of the source is 40 minutes. Initially the corrected count rate
अब वो बता रहे हैं कि इनिशियल करेक्टेड काउंट रेट 300 है और आपने करेक्टेड काउंट रेट का ही ग्राफ बनाना है. तो ये वो ग्राफ है जो इजी है, जिसमें यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट, यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट द सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ बैकग्राउंड काउंट रेट. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विथ 300 एंड देन यू कैन जस्ट कीप प्लॉटिंग योर ग्राफ. तो जीरो पे कितनी रीडिंग है? 300. जीरो पे रीडिंग है 300. हाफ लाइफ कितनी है? 40 मिनट्स. तो 40 मिनट्स के बाद रीडिंग क्या हो जाएगी? चलो मुझे खुद ही बताते जाओ, 40 मिनट पे रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी से बताना. इफ हाफ लाइफ इज 40, देन व्हाट वुड बी द रीडिंग आफ्टर 40 मिनट्स? इट वुड बी ऑब्वियसली हाफ ऑफ द इनिशियल. तो काउंट रेट आधा हो जाएगा, 150 हो जाएगा. 80 मिनट्स बाद कितनी हो जाएगी रीडिंग? 75, और हाफ हो जाएगी. और 120 मिनट्स बाद कितनी हो जाएगी? 75 का आधा 37.5. कहाँ पे जाएंगे हम प्लॉट करेंगे? अगर ये है 10 और ये है 20 और ये है 30 और ये है 40, तो 37.5 यहाँ कहीं होगा. नाउ वी कैन प्लॉट अ ग्राफ. एक मिनट, ये गलती से मैंने यहाँ बना दिया, ये यहाँ बनाना था. अब इसको बना सकते हैं. एक अच्छी सी कर्व लाइन बनानी है जो कि सारे पॉइंट से गुजर जाए. सो आई गेस या हमारे पास 37.5 बन रहा था. ठीक है, दैट्स इट. इज दैट इट? ओके, आई थिंक काफी प्रैक्टिस हो गई, सो दैट्स गुड. वी गुड टू गो नाउ. आई थिंक हमें चैप्टर के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. और अच्छे क्वेश्चन हैं आपके क्लासरूम पे अपलोडेड है फाइल, गो अहेड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन इफ यू वांट. अब अगली कुछ क्लासों में गोल तो बहुत एम्बिशियस सा है, ठीक है, ट्राई मैं करूंगा. थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, बट व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू इन द नेक्स्ट 4 डेज मे बी. अब आप ये भी एक्सपेक्ट कर लो कि आपकी क्लास शायद मैं सुबह में या दोपहर में रखूंगा, ठीक है, और मैं जो है वो लंबी लंबी क्लास रख के आप लोगों को 4 हिस्सों में पूरा सिलेबस जो है उसको रिवाइज करवा दूँ. दैट माइट इंक्लूड सम पास पेपर्स और दैट माइट नॉट इंक्लूड, बट द गोल इज टू जस्ट विल जस्ट ट्राई एंड रिवाइज द होल थिंग फ्रॉम ए टू जी, या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम ए टू जी. और क्लास 2-2.5 घंटे की रखती, कोशिश ये करूँगा कि क्लास सुबह 11-12 बजे हो, ठीक है, और वो हो सकता है कि क्लास रात में ना हो, ठीक है. इतनी लंबी क्लास मैं रात में नहीं ले पाऊंगा, स्कूल में जब मैं होऊंगा फ्री टाइम होगा तो वहाँ पर ले लूँ. ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर.